नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने हिंदी YouTube चैनल आरोग्यम में। हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोस और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। दोस्तों, आज मैं आपको नींबू के गुणों के बारे में बताऊंगी। नींबू एक बहुत ही खट्टा फल है, मगर इसके बावजूद ये हर मौसम में बेहद लाभकारी है। इसमें विटामिन सी और विटामिन डी की भरपूर मात्रा होने के कारण इसे औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम जानेंगे इस छोटे से फल नींबू से जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे, जो आपकी रोज की छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने में बहुत सहायता करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं नींबू से जुड़ी कुछ सावधानियां भी बताऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे बालों का झड़ना रोकने के लिए हम नींबू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है। आधा कटोरी नींबू के रस में आधा कटोरी प्याज का रस मिला लें और इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मालिश करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद पानी से धो लें। इसे रोजाना करने से कुछ ही दिनों में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आपको मसाज हल्के हाथ से करनी है। इसका दूसरा उपाय आपके चेहरे की सुंदरता के लिए है। आधा कप नींबू के रस में बराबर मात्रा में खीरे का रस मिलाएं और फिर एक अंडा भी इस घोल में डाल दें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का प्रयोग स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा कप गुलाब जल और आवश्यकता अनुसार मिल्क पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे के ऊपर लगाकर आधा घंटे के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लें। ऐसा हफ्ते में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर एक ग्लो आएगा और आपकी स्किन पहले से और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। नींबू का अगला इस्तेमाल आप गले की खराश को दूर करने के लिए कर सकते हैं। नींबू के रस में शहद और अदरक का रस मिलाएं और फिर पुदीने को बारीक काट कर डालें। इसके बाद इस घोल में पानी मिलाकर तब तक हिलाएं जब तक शहद अच्छी तरह ना घुल जाए। अगर आपको गले में खराश ज्यादा है तो आप इसमें गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और इसे दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। नींबू का अगला इस्तेमाल आप फेस मास्क बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए नींबू और संतरे के छिलके सुखाकर मिलाएं और अच्छी तरह से पीस लें। इसमें जरूरत के मुताबिक दूध मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर मले और 15 मिनट बाद धो लें। इस मास्क को रेगुलर लगाने से आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी बन जाएगी। नींबू का अगला इस्तेमाल पेट की गैस को दूर करेगा। नींबू का रस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। पेट को हेल्दी रखने के लिए 1 चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच अदरक का रस मिला लें और इसे रोजाना खाने से आधा घंटे पहले पिए। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में पेट की गैस से बहुत फायदा मिलेगा। नींबू वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला लें और इसे रोज सुबह खाली पेट पीने से मोटापा धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। आप इसका अगला इस्तेमाल हिचकी यानी कि हिकअप्स को रोकने के लिए कर सकते हैं। नींबू के रस में 2 छोटे चम्मच काला नमक और शहद मिलाकर पीने से देर तक होने वाली हिचकी को रोका जा सकता है। इसका नेक्स्ट यूज माइग्रेन को दूर करने में किया जा सकता है। 4 से 5 नींबू के छिलके उतारकर उन्हें पीस ले और फिर नारियल का तेल मिलाकर लेप बनाकर सिर पर लगाएं। इससे माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। नींबू थकान और कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा फल है। आधा गिलास पानी में 1 नींबू का रस मिला ले। इस पानी में 25 ग्राम किशमिश डालकर रात भर भीगने दीजिए। सुबह किशमिश को इसी पानी में अच्छी तरह मैश कर लीजिए और फिर इस पानी को छान लीजिए। नींबू किशमिश का पानी दिन में 2 बार पीना चाहिए। इस पानी को पीने से आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अच्छा बना रहेगा और आपको थकान और कमजोरी फील नहीं होगी। इसका अगला इस्तेमाल अगर किसी के हाथों और पैरों की स्किन फटती है तो वो नींबू के रस में नारियल का तेल मिलाकर अपने हाथ पैरों पर मसाज करें। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी और साथ ही स्किन ड्राइनेस और फटने की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आप नींबू का रस और नमक पानी में मिलाकर नहाएंगे तो वो आपकी स्किन को नेचुरली सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देगा। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियों की प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो हमारी नेक्स्ट रेमेडी इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगी। नींबू के रस में कुछ बूंदे बादाम के तेल की मिलाकर उसमें 1 छोटा चम्मच शहद मिलाएं और उसे चेहरे पर लगाएं।
20 मिनट तक लगे रहने के बाद उसे धो दें। ऐसा रोजाना करने से आपकी झुर्रियों की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। नींबू का अगला इस्तेमाल पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है। नींबू के बीजों को पीसकर पाउडर तैयार कर लें और फिर उसे गर्म पानी के साथ पिए। ऐसा रेगुलर करने से पेट के कीड़े बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आप सभी को नींबू से जुड़ी कुछ सावधानियां बताती हूं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या अगर आपकी स्किन पर कोई घाव है तो आप नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर नींबू का इस्तेमाल करते हुए आपको सिर या अपने चेहरे की स्किन पर दाने या खुजली होने लगे तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें। कमजोर लिवर वालों के लिए नींबू का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है, और जो लोग हेल्दी और फिट हैं वो लोग भी नींबू का एक्सेस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किसी को भी नुकसान दे सकता है। तो ये थे कुछ नींबू से जुड़े घरेलू उपाय और सावधानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडीज आप सभी को अच्छे से समझा पाए होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या हमारे लिए कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने इस जानकारी को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।